तो जयपुर में स्थित है रुद्र शिव मंदिर, जो कि 11 रुद्र शिव मंदिर प्राचीन भाषा में बोला जाता था। यहाँ पे शिव के 11 शिवलिंग स्थापित हैं। इसे राजा मानसिंह के महामंत्री श्री संगी जूता राम जी ने बनवाया था यहाँ को। जब ये बताते हैं कि जब माता रानी की को शमान सिंह जी लेके आए थे, तब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आगे हम देखते हैं इस मंदिर को अंदर की तरफ से, जो कि बहुत ही पुराना है। और इस मंदिर में कहते हैं कि ये इसका जो इतिहास है, इसमें जो डिजाइन बनी हुई है, उसमें कहीं कहीं पर जैन टच देखने को मिलता है। हम आके अगर आपको दिखाते हैं इस मंदिर का पूरा अंदर से सब कुछ, तो आप चलते हैं मंदिर की ओर, अंदर की तरफ जहाँ पे रुद्र शिव मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुद्र शिव मंदिर है, कितना भव्य मंदिर मूर्ति है ये। यहाँ पर आप घूम सकते हैं आके। इस मंदिर की मान्यता इसीलिए है क्योंकि इसे स्वर्गीय श्री संगी जूता राम जी ने बनवाया था। यह मूर्ति स्थापित करवाई थी जब माता रानी वो लेके आए थे मानसिंह जी, तब इस मूर्ति का निर्माण हुआ, मतलब इस मंदिर को निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर की आप बनावट देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी बनावट है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कि हम देखने से अलग ही फील होता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। दर्शन करने से आप शिव के 11 शिवलिंग हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं बहुत ही शिवलिंग यहाँ पर हैं स्थापित। हम ये आप देख सकते हैं 11 शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखने की जी की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। हम अब ऊपर चल के दिखाते हैं आपको यहाँ पर इसका व्यू। ये शिवलिंग यहाँ पर भी है, एक शिवलिंग को आगे हम इसको देखने की। जो कि बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने पुराने पत्थर, शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। अब हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं यहाँ की झलक, थोड़ी सी और झलक दिखाने की कोशिश करते हैं हम, जो कि एक अलग ही सा लुक आएगा आपको। वो देख के आप बोल सकते हैं कि हाँ, इस पे थोड़ा जैनियों के मंदिर का उल्लेख सा दिखता है। जब आप उसके पिलर्स को देखिएगा तो आपको हम पिलर दिखा, बहुत ही पुराना मंदिर है ये, देखने से पता लगता है। और कितनी बनावट कितनी सुंदर है, देखने से ही लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है के ऊपर जो मूर्ति बनी हुई है, वो जैनियों की ही लग रही हैं, जैन धर्म की मूर्तियाँ लग रही हैं। जैन धर्म के जो मूर्तियाँ होती थी पुराने ज़माने में, वो मूर्तियाँ लग रही हैं यहाँ पर। और बहुत ही पुराने इसका इतिहास रहा है, 400 साल पुराना। मंदिर को देखते ही पता लगता है कि ये 400 साल पुराना रहा होगा। आप देख सकते हैं ये 400 साल पुराना मंदिर है, ये 400 साल पुराना मंदिर है ये, जो कि बहुत ही पुराना लगता है।